जय हिंद दोस्तों, 2022 का यह नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सभी जानकारी जानने से पहले आप सभी को ऑल फॉर्म अप्लाई यूट्यूब चैनल के तरफ से सभी सब्सक्राइबर, सभी व्यूअर और सभी सदस्य को नव वर्ष को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सभी को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और अपने कार्य में आप अग्रसर आगे की ओर बढ़ते रहे, भगवान से यही कामना करता हूं। दोस्तों, होमगार्ड भर्ती 2011 फिजिकल को लेकर बिहार के विभिन्न जिले से बहुत सा कैंडिडेट के मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर, मेरे पावती रसीद खो गया है तो कैसे फिजिकल में सम्मिलित हो सकते हैं, कैसे भर्ती में जा सकते हैं, मुझे जानकारी दीजिए। दोस्तों, आज आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि आप कैसे भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं, अपना फिजिकल दे सकते हैं और करियर इसमें बना सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, सब कुछ जानकारी प्रॉपर देने वाला हूं। साथ में आपको अगर सहरसा जिला से आते हैं तो आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपका फिजिकल कब होने वाला है, कहां पर जाना है, किस डेट में जाना है, सब कुछ पता कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास पावती है तभी भी चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास पावती रसीद नहीं है तभी भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप प्रॉपर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपको फिजिकल के भी जानकारी देने वाला हूं, कितना रनिंग करना है, कितना आपका हाइट होना चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में आज प्रॉपर जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं सहरसा जिला होमगार्ड फिजिकल एडमिट कार्ड मोबाइल से कैसे आप लोग डाउनलोड करके और चेक कर सकते हैं। दोस्तों, गूगल में इस प्रकार से टाइप करना है आपको, सहरसा जिला डालकर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, देखिए आपको यह पेज ओपन होकर आ गया जो कि यहाँ पर ऑफिशियल साइट है, sahrsa.nic.in पर क्लिक करना है। इसी साइट पर आपको दोस्तों आपको यहाँ पर ऑफिशियल पेज ओपन होकर आ गया, देख लीजिए यहाँ पर सहरसा जिला, यहाँ का जो जिला अधिकारी है यहाँ पर कौशल कुमार जी हैं और पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह जी हैं, जो कि यहाँ पर देख लीजिए आपको कोई फेक वीडियो नहीं है। दोस्तों, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए मुख्य पृष्ठ पर जाए, यहाँ पर जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो आपको टाइप करना है होम गार्ड भर्ती 2011, इस प्रकार से होम गार्ड भर्ती 2011 टाइप करना है और सर्च कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपको होम गार्ड भर्ती का यहाँ आ गया, गृह रक्षक वाहिनी कार्यालय सहरसा, विज्ञापन संख्या आपको 02/11, प्रवेश पत्र डाउनलोड, यहां से प्रवेश पत्र अपना अगर आपका पावती खो गया है वो भी कैंडिडेट डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास पावती है वो भी कैंडिडेट यह एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको सेकेंड पेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो सेकेंड लिंक है यहाँ पर देखिए नामांकन का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आएगा, यहाँ पर देखिए आपको पीडीएफ का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि देख यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए इस प्रकार से पीडीएफ आ गया, यहाँ पर बहुत सा लोगों का नाम और रोल नंबर सब कुछ है। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से आप पूरा विवरण अपना ले लीजिए, उसके बाद आपको फर्स्ट वाला लिंक पर यहाँ पर क्लिक करना है। इस प्रकार से देखिए आपको इस प्रकार से क्लिक कीजिएगा, आपके सामने यह पेज ओपन होकर आ गया। दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको लिखा है विज्ञापन संख्या 02/2011 प्रवेश पर डाउनलोड, इस लिंक पर दोस्तों आपको सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ डालना है, आपको जिला का नेम यहाँ रहेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट का नेम प्रॉपर रहेगा सहरसा जिला, आपको यहाँ पर ब्लॉक चॉइस करना है यानी चूज करना है, यहाँ पर इस प्रकार से आप जो भी ब्लॉक हैं तो यहाँ पर आपको ब्लॉक डाल लेना है। उसके बाद आपको सीरियल नंबर, वहाँ पर जो आप लिस्ट देखे वहाँ पर आपका सीरियल, कितने सीरियल नंबर पर आपका नाम है यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना नेम अपना इस प्रकार से और डेट ऑफ बर्थ, चलिए दोस्तों आपको सब कुछ डालकर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रॉपर देखिए यहाँ पर मैं सब कुछ डाल लिया। अब आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड पर इस पर क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस प्रकार से देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आ गया
दोस्तों इनका रजेश कुमार नाम है, यहाँ पर देख लीजिए प्रॉपर जानकारी है, यहाँ पर देखिए प्रॉपर इनका एडमिट कार्ड है जो कि रजेश कुमार इनका नाम है। यहाँ पर यह आपको सौर प्रखंड के हैं, इनका सौर बाजार जो है प्रखंड इनका यह है। यहाँ पर इनका जन्म तिथि है, पिछड़े वर्ग से आते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है, इनका सहरसा स्टेडियम जय प्रकाश उद्यान के सामने इनका फिजिकल होने वाला है। दोस्तों इनका यहाँ पर आइएगा, पता है इनका, यहाँ पर फिजिकल का पूरी जानकारी दिया गया है। दोस्तों इनका जो फिजिकल है सौर बाजार प्रखंड का 11 जनवरी 2022 मंगलवार को, यहाँ पर देखिए जितना भी सहरसा जिला में प्रखंड है उनका फिजिकल का डेट यहाँ पर दे दिया गया है, जो कि 8 जनवरी 2011 शनिवार से स्टार्ट है और आपको 18 जनवरी मंगलवार तक यह फिजिकल चलने वाला है। दोस्तों यहाँ नीचे में आपको निर्देश दिया गया है, अगर आपके पास प्रवेश पत्र या नहीं है तो आपको इसमें नहीं दिया जाएगा, आपको क्या क्या करना है सब कुछ पढ़ लीजिएगा, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ। दोस्तों अब आपको बात हुआ, अगर बिहार के किसी भी जिले से आते हैं, अगर आपके पास पावती नहीं है तो आप समझ गए हैं कि इसी प्रकार से आपके जिले के भी डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड, जहाँ से आप जा सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और फिजिकल में भाग ले सकते हैं। दोस्तों अब आपको बात हुआ कि इस फिजिकल में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, तो यहाँ पर सहरसा में केवल आधार कार्ड आपको बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए मांगा गया है, लेकिन आपको और जिले में क्या मांगा जाता है, जैसे ही आपका जिला का नोटिस आएगा तो आपको रंगीन फोटो ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है और आपको यह एडमिट कार्ड भी ले जाना पड़ेगा। दोस्तों चलिए आप फिजिकल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपको 1.6256 सेमी आपको हाइट होना चाहिए, अगर पूर्णिया सहरसा से आते हैं तो 1.5 सेमी आपका हाइट रखा गया है। वही दोस्तों आपको चेस्ट इसमें 31 cm होना चाहिए, यानी आपको 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, अगर आप सहरसा पूर्णिया जिला से आते हैं और पुरुष उम्मीदवार हैं तो 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट इसमें रखा गया है। दोस्तों महिला के लिए हाइट 1.53 हाइट रखा गया है। वही दोस्तों इसमें रनिंग यानी दौड़ बात की जाए तो 1 मील की दौड़ पुरुष के लिए 6 मिनट में क्वालिफाई करना है और महिला के लिए 800 आपको मीटर 5 मिनट में क्वालिफाई करना है। वही दोस्तों आपको हाई जंप 4 फीट आपको पुरुष के लिए और 3 फीट महिला के लिए, लॉन्ग जंप आपको 12 फीट पुरुष के लिए और महिला के लिए 9 फीट रखा गया है, गोला फेंक आपको 16 पाउंड का 16 फीट फेंकना है पुरुष के लिए और महिला के लिए 9 पाउंड का 9 फीट इसमें गोला फेंकना है। तो दोस्तों अगर आपका फिजिकल अभी तक नहीं हुआ है किसी भी जिले से बिहार के आते हैं तो अभी से फिजिकल में लग जाइए, क्योंकि कभी भी आपके जिले के नोटिस आ सकता है और फिजिकल शुरू हो सकता है। दोस्तों नए साल के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, इसी जानकारी के साथ जय हिंद, नमस्कार।